ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने गंगा आरती की तर्ज पर दत्त नगर में सतलुज आरती की। इस अवसर पर प्रोजेक्ट के सीएमडी नंदलाल शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। बनारस से आए प्रसिद्ध पंडितों ने गंगा की तर्ज पर सतलुज नदी की महाआरती की। हिमालय की गोद से निकलकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाली सतलुज नदी की महिमा शुरू हो गई है। गंगा की तर्ज पर काशी के प्रखंड विद्वान पंडितों ने लोगों की उपस्थिति में दत्त नगर के समीप नदी तट पर सतलुज आराधना की। सतलुज तट पर जल विद्युत परियोजना का सफल निर्माण कर अस्तित्व में आए केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम SJVN के रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा सतलुज आराधना महत्व को बताया। इससे पूर्व SJVN के प्रबंध निदेशक नंदलाल समेत निगम के उच्च अधिकारियों ने सतलुज नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हम नदियों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर से आश्रित हैं। नदियां देश की धड़कन है। सतलुज शिरोमणि पर्वत से निकलकर करोड़ों लोगों का उद्धार करती है। कैलाश पर्वत ने हमें सतलुज नदी दी है और सतलुज ने हमें जीवन दिया है। माता पिता और गुरु जिस तरह से पूजनीय है उसी तरह से नदियों को जीवन दायिनी के रूप में मानते हुए पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों और वेदों में भी इनका वर्णन है। हमें उस अमृत रूपी जलदायिनी नदी सतलुज को भी स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है ताकि उस सतलुज नदी की अहमियत और स्वच्छता को हम सब मिलकर बनाए रख सकें। ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। साथ ही वाद्य यंत्रों की धुनों पर भी खूब नृत्य किया। नंदलाल ने बताया कि सतलुज नदी हर सब के लिए जीवन दायिनी के समान है। आयोजन के दौरान निदेशक गीता कपूर, GM रामपुर सुरेश ठाकुर, GM जाखड़ी संजीव सू, GM लुहरी परियोजना RL नेगी व अन्य अधिकारी कर्मचारी पंचायत प्रधान व ग्रामीण मौजूद रहे। का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि सतलुज SJVN के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक जीवन दायिनी है और जो महत्व सबके जीवन में सतलुज का है तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम भी कुछ पे बैक करें। और आराधना सतलुज की हमने प्रारंभ की है पिछले वर्ष से, ये दूसरा साल है हम सतलुज की आराधना करते हैं और आराधना के माध्यम से हम सतलुज का रोल है प्रत्येक के जीवन में हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं और नदियों के प्रति उनकी स्वच्छता के प्रति हमारा क्या रोल है हम उसको भी लोगों तक ले जाने के लिए लोगों में एक चेतना अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।